ये कहानी है तीन दोस्तों की, मैडी जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, राज जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और फाइनली मैं, आपकी प्यारी कोयल। हम तीनों जमशेदपुर की एक छोटी सी कॉलोनी में पले बड़े हैं, साथ हंसे साथ रोए। कोयल को 1000 दोस्त नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहती है तो मैडी और राज का साथ जो कभी ना छूटे। ये मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरी बड़ी बहन तानी और मेरा छोटा भाई शुभो है। मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे मॉम डैड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न फैमिली है, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे लिए कोई अनजान सही है जिसमें मेरी खुशी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी खुशी सिर्फ राज में है जो मेरा दोस्त है या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी राज को। राज, राज कहाँ है? राज, एनीवेज तो मैं हूँ राज, राज कपूर, द वन एंड ओनली। और वाह, मेरी फैमिली, बिफोर आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। सबसे पहले मेरी पापू, मेरी जान, प्लीज कम। दैट्स माई फादर, माई मदर गुलाबो। मैं अपनी माँ को गुलाबो बुलाता हूँ, है ना, एकदम लाली लाली गुलाबो। एंड मेरी बहन संजू। तो ये है हमारी छोटी सी हरी भरी पंजाबी फैमिली। नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई कैरेक्टर। माई कैरेक्टर, अब क्या बोलूँ, जमशेदपुर की जान है ये। दिल पे एक आवारा पर दिल से एकदम एक नंबर, ओके, बिल्कुल अपने पापू की तरह एक नंबर। एंड मेरे सिर्फ तीन शौक है, हीरो बनना, हीरो बनना और हीरो बनना, दैट्स इट। अब जैसा कि संजू आपको बताएंगी कितनी लड़कियां मेरा नंबर लेती हैं, इससे पर मेरी जान सिर्फ एक लड़की में बसती है, माय बेस्ट फ्रेंड कोयल। माय बेस्ट फ्रेंड कोयल, रिएक्शन तो दे दो यार। हाँ हाँ, क्या बोलो, सॉरी। ये होती है दोस्ती की असली केमिस्ट्री, असली ट्यूनिंग। मतलब मैं बोलता रहा हूँ, भाव ही नहीं देती मेरे को। चलो इतना हो गया, बट मैंने आपको अपने दूसरे दोस्त से तो मिलाया ही नहीं, मेरी दूसरी जान। अब एक्टर हूं ना तो जाने तो इधर उधर बसती है, काम पता नहीं कहां से आ जाए। मैडी आजा मेरी जान। आए, क्या लगता है, क्या दिखता है, क्या बाल उड़े हैं। हाय, मेरा नाम माधवन है। मैं एज पर माय कैरेक्टर आई एम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो मैं कम ही बोलूंगा। जमशेदपुर में मेरी माँ का एक बहुत ही हाई पोस्ट है एक कंपनी में, जिनमें ये सारे फैमिलीज़ के पेरेंट्स काम करते हैं। इवन माय डैड वर्क्स ओवर देयर, बट एज माय मदर हैज़ दिस ट्रेडिशन दैट सबको बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, एंड दैट्स व्हाट आई एम फोकस्ड ऑन। इनके प्यार, माय मदर लीला, my father Venkat, aur mere bade bhai Surya, ye hamara parivar hai, hum ek south indian family ko belong karte hain, to hamara sab cheez kafi sadharan dikhne wala hai as compared to bubbly Raj, you know, and meethe meethe bengali people. So, would you like to speak? Yeah. नमस्कार, मैं हूँ लीला, माधवन की माँ, सूर्या की माँ और वेंकट की पत्नी। मैं उस कंपनी की MD हूँ जहाँ सब काम करते हैं, जितने भी यहाँ पे पुरुष हैं सब काम करते हैं, यहाँ तक कि बड़ा बेटा सूर्या भी वहीं काम करता है, इज़ अ वेल क्वालिफाइड बॉय। हमारे दोनों बच्चे पढ़ने लिखने वाले, अच्छे तमीज़ तहजीब वाले बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में ज़रूर मैं बॉस हूँ, सबकी बॉस हूँ, सबसे बड़ी बात है अपने पति की बॉस हूँ, लेकिन घर में एक बहुत ही सुलझी हुई फैमिली है ये साउथ इंडियन फैमिली। मैं वेंकट, लीला मैम, माधवन, सूर्या, हम औरत को किसी भी बंधनों में बांध के रखने वाले लोग नहीं हैं, पढ़ी लिखी औरत हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो आगे जाएं। तो बॉस हैं, लेकिन ही इज अ यंग मैन, समर,
समर तुम कहाँ खड़े हो? ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूँ समर और जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे तीन खूबसूरत फैमिलीज हैं। ये स्टोरी है फैमिली की, प्यार की, केयर की, पर जहाँ पे ये सब होता है वहाँ पे कुछ ड्रामा ना हो, कुछ थ्रिल ना हो तो शायद मज़ा ना आए। वो क्या करने वाला हूँ वो ज़रूर आपको पता लगेगा। फिलहाल सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम द वन हु विल ब्रिंग दैट ड्रामा, दैट थ्रिल, समथिंग रियली डिफरेंट एंड यू विल गेट टू नो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई विल गिव इट टू द गुड बॉय राज। डर लग रहा है मुझे तुम्हारी बातों से। सबसे पहले बिफोर वी रैप अप आई फर्स्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय मॉम टू यू। हाय एवरीवन, ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। मेरी और इसकी केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री है ही नहीं। हम दोनों की खूब लड़ाई होती है। मुझे इसका हीरो बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी हीरो बनती बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो हमारी जो हमेशा लड़ाई होती रहती है उसके बीच में जो सुलह कराने वाले हैं वो मेरे पति हैं, जो मुझसे डरते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ कि मैं एक्टर बनना क्यों चाहता हूँ। ये मेरे खून में है क्योंकि जो मेरी माँ है वो भी वो भी एक्ट्रेस है और वो एक बी ग्रेड फिल्म करी थी, मैं तब पैदा हुआ था, आपको पता है, तभी मैं इतना छिछोरा निकला हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक्टर मत बनो। तुम्हारी कमी हम पूरी करेंगे गुलाबो। मुझे रियलिटीज पता। यहाँ बीवी के सामने आगे बकरी बन जाता है। तो मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं भी बचपन में बड़ा शरारती, बड़ा नटखट जैसा मेरा बेटा है, तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, जो इन्जॉयमेंट, जो मस्ती, जो ये मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे। इसमें मैं अपना अक्स देखता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं चाहती ये एक्टर बने। जलती है नहीं बोलूँगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा इसके बाद अगर मैंने ऐसा बोला तो। और इसके साथ साथ हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, बहुत ही सुंदर, बड़ी बबली है, बहुत नटखट है, और बस यही छोटा सा हमारा परिवार है। और इस परिवार में और क्या क्या है, इन सारे तीनों परिवारों में और क्या क्या है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा आपको देखने के मिलेगा 28 तारीख से, सितंबर से 8:30 बजे। हाँ, मेरी छोटी सी बेटी कुछ बोलेगी। हाय एंड दिस इज माय फैमिली, माय मॉम शी इज वेरी स्वीट मेरे लिए, मेरे भाई को हमेशा डांटती रहती है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड माय डैड, बहुत ही सुंदर सी बेटियाँ कोयल और तानी, और बड़ा प्यारा सा बेटा शुभ, और मेरे घोष बाबू। और कोयल और तानी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, शुभ बहुत शार्प है। दोनों कोयल और तानी के सपने बहुत बड़े हैं और ये उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, अपने बारे में तो बताती हूँ। तानी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है। अपने बारे में कोयल बहुत कुछ करना चाहती है जीवन में, और माँ मुझे कितना डांटती हूँ जीवन में, लेकिन कुछ होता है या नहीं 28 सितंबर को ही पता लगेगा। तो आप लोग ज़रूर आइए और देखिए तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो है, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ, दोनों तरह से बोलिए, अर्थ एक ही निकलता है। तो ज़रूर आइए, हम लोग, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, मेरे बाबा कुछ बोलेंगे? हाँ जी, ज़रूर बोलेंगे। आई एम मिस्टर घोष बाबू, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी, वो खुद नहीं जानते कि वो अभी क्या करने वाले 2 मिनट के बाद। और ये फैमिली में सबसे यूनिक प्रेशियस जेम है, और बहुत ही लेजी, कामचोर, पैसे बहुत प्यारे लेकिन पैसे खर्चना नहीं जानते या खर्चना चाहते नहीं। ट्रीट भी देंगे लेकिन फाइनली पैसे निकालेंगे सामने वाले से ही, उनकी यूनिक स्टाइल है। और मुझे मेरी दोनों बेटियां बहुत पसंद है। तानी वेरी ओबीडियंट, जो बोलो कर देती है, और मेरी कोयल हाईली ओपिनियटेड, जो वो सोचेगी सही है वही करेगी। एंड मेरी बीवी के लिए क्या बोलूँ, हम दोनों की केमिस्ट्री तो कमाल की है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज़ अ जेम ऑफ अ वुमन, जेम, अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड वुमन। एंड आई थिंक, नमस्ते, मेरा नाम है तानी, मैं कोयल की बड़ी बहन हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना,
तानी बहुत मैच्योर, सेंसिबल, प्रैक्टिकल लड़की है जो अपने माँ बाप का कहना मानती है, जो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस माँ बाप से पूछ के और माँ बाप की रजामंदी से करती है। बाकी सब जानने के लिए 8:30 बजे टीवी ऑन करना पड़ेगा। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान। और अब हम बात करते हैं हमारे भाई से, शुभो। बट बिफोर दैट बाबा, मेरे बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जितना ना बोलो उतना ही अच्छा है। ओके, सो आई एम शुभो। मैं, मेरी दो लवली ब्यूटीफुल सिस्टर्स है। तानी से मैं थोड़ा डरता हूँ बिकॉज तानी सबसे बड़ी है, तो मैं, मेरी शरारतों पे वही रोक लगाती है। कोयल के साथ, कोयल की मैं कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीनों फैमिली से प्लीज़।